हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। और इस कंसेप्ट पे, इस टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जरूर आता है। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, हमारे पास में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। अगर हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, किस प्रकार से, या तो इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के पैटर्न में अरेंज कर दें, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो जो हमारे पास में जो पैटर्न आएगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे आपने लोअर क्लासेस में विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ होगा, वहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम में आपने क्या पढ़ा था कि विजिबल लाइट इज ऑफ 7 कलर, और वो 7 कलर आपने क्या याद किए थे? विबग्योर वाले 7 कलर याद किए थे। तो उसको भी हमने क्या नाम दिया था? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम हमारे पास में यहाँ पर है। इनको हमने क्या कर रखा है? देखो, ये हमारे पास में दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरेज और गामा रेज। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पर इस टेबल में जो अरेंज कर रखा है, वो पैटर्न क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे, देन वी कैन से दैट वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर अपन ने इन सबको डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इंक्रीज कर रखा है। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। इफ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, देन वी कैन से दैट वी हैव अरेंज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एंड ऑल्सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, देन एनर्जी क्या होती है? इज इक्वल टू एच न्यू। सो एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इस पैटर्न में हमने यहाँ पर तीन बातों को डिस्कस कर लिया। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पुट कर रखा है, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी या इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में पुट कर रखा है। इसका मतलब यदि हम बात करें कि इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे कम है, देन वी कैन से दैट रेडियो वेव हैव लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड गामा रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यदि हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो रेडियो वेव हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, गामा रेज हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट? तो ये तो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब साथ साथ जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है कि आपको इनमें से 3 या 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी जाएंगी, और क्वेश्चन बनेगा कि अरेंज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग एनर्जी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, राइट? या फिर दूसरा बनता है कि अरेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी को भी याद रखना पड़ेगा, और ये भी आ सकता है कि अरेंज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इनकी जो वेवलेंथ पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इंफ्रारेड। इसका मतलब ये टेबल हमें कंप्लीट याद होनी चाहिए, इनकी जो वेवलेंथ याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज याद होनी चाहिए, और इनका जो पैटर्न है वो याद होना चाहिए। तो पहले हम बात कर दें कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, रेडियो वेव के लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 मीटर, माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, इंफ्रारेड के लिए 1 mm टू 700 nm, विजिबल लाइट होती है 700 nm से 400 nm के बीच में, अल्ट्रावायलेट 400 nm से 1 nm के बीच में, और एक्सरेज होती है 1 nm टू 10^-3 nm, और गामा रेज लेस देन 10^-3 nm, राइट? अगर हम इसको याद कर लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इजीली। इसकी भी हम बात करेंगे। देखो, पहले हम बात, अब एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं
कि हाउ वी कैन लर्न द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का पहला लेटर ले लेते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आसान ट्रिक लेते हैं, इन सभी का फर्स्ट लेटर लिखते हैं यहाँ पर, और देखो हमारे पास में एक मैजिकल वर्ड आएगा, आर एम आई वी यू एक्स जी, रमी वक्स जी। अब इस रमी का मतलब क्या हो गया, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे, और ये कौन सा हो गया, गामा रेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रमी वक्स। यदि हम इस एक लाइन एक लेटर को याद कर लेते हैं तो हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लिया, वो भी किस ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। यदि हम यहाँ से चलते हैं रेडियो से गामा रेज की तरफ चलेंगे, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे, और ये लास्ट में कौन सा आ जाएगा, गामा रे। दिस इज द मैजिकल वर्ल्ड। और हम इस वर्ड को यदि अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना फ्रेंड बना लेते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और इंक्रीजिंग एनर्जी। इसके अलावा आपको किसी बुक में यूं भी मिल सकता है कि पहले गामा रे मिल सकते हैं, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा, मतलब इसका रिवर्स पैटर्न मिल सकता है। तो रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, यहाँ अपन ने इनको अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, और रिवर्स क्या मिल सकता है, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। यदि डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में याद करोगे तो यहाँ से उल्टा चल सकते हो, जी एक्स यू वी आई एम आर। यदि इसको हम उल्टा भी याद करेंगे तो भी हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर बनेगा, जी एक्स यू वी। देखो अब इससे भी हम याद कर सकते हैं, जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गामा एक्सरेज, यू का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल इंफ्रारेड माइक्रो, और ये कौन से हो जाएंगी, रेडियो वेव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये हो गया इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यदि हम इसके अकॉर्डिंग याद करते हैं तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इसके अकॉर्डिंग याद करोगे तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, इसके अकॉर्डिंग याद करोगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, डिक्रीजिंग एनर्जी। अब देखो इसको याद करने के लिए बड़ी मैजिकल लाइन है, हम यूँ याद कर सकते हैं इसको। कभी आपने एक्स यू वी नाम सुना है, एक्स यू वी गाड़ी होती है, देखे होंगे आपने महिंद्रा के एक्स यू वी 500, इस प्रकार की गाड़ी आते हैं। तो इसको हम यूँ याद कर सकते हैं, जिसे गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी, आई से इन, एम से माई, आर से रेंज, इससे भी याद कर सकते हैं हम। जो भी आपको पैटर्न ठीक लगे उसी के द्वारा याद कर सकते हो। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम याद करना। अब ट्रिक लेते हैं वेवलेंथ को कैसे याद करेंगे। अब देखो वेवलेंथ को याद करने के लिए हम क्या, जो हमारी विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ को याद कर लेते हैं, और यहाँ से हम बाकी जो वेवलेंथ है इनको याद कर सकते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ किसके बीच में है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में। यदि हम ऊपर चलते हैं तो देखो विजिबल से ऊपर कौन सी है, इंफ्रारेड, इंफ्रा की है 700 nm से 1 mm, फिर 1 mm से 0.1, और फिर ग्रेटर देन 0.1। अब विजिबल लाइट से नीचे आ जाओगे, देखो ऊपर चलते हैं तो हमने 700 को पकड़ा, नीचे आओगे तो 400 को पकड़ लो, 400 से 1, 1 से 10^-3, और लेस देन 10^-3 nm। देखो ये जो शुरू होता है ये शुरू हो गया nm से, राइट, 700 शुरू होता है नैनोमीटर से। तो 700 से 400 के बीच में कौन सी होती है, विजिबल लाइट। अब 700 से ऊपर आएंगे, अब 700 से 1, 1 से 0.1 और ग्रेटर देन 0.1, राइट। 700 से 1 mm कौन सी होंगी, इंफ्रारेड, 1 mm से 0.1 mm माइक्रो, और 0.1 mm कौन सी होंगी, रेडियो। इसी प्रकार से नीचे आ जाओ दूसरा एंड, 400 से 1 nm अल्ट्रावायलेट, 1 nm से 10^-3 nm एक्सरेज,
और लेस देन 10^-3 nm क्या होंगी, गामा रेज, राइट। यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो अब आप इनके लिए कोई भी वेवलेंथ याद कर सकते हैं, किसी भी वेवलेंथ के लिए फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हमारे पास में माइक्रोवेव की वेवलेंथ रेंज किसके बीच में है, 0.1 से 1 mm, देन व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, 0.1 के लिए फ्रिक्वेंसी निकालते हैं पहले, यूजिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। C का मतलब हो गया 3×10^8, बट लैम्डा का मतलब कितना, 0.1 m, राइट। और 0.1 का मतलब क्या होगा, 1/10, और 10 ऊपर आ जाएगा 8+1, दैट इज फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, 3×10^9, राइट। 0.1 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 3×10^9 हर्ट्स। याद रखना यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की हमने यूनिट क्या ले रखी है, हर्ट्स। इसी प्रकार से 1 mm की बात करोगे तो 1 mm, 1 mm का मतलब क्या होगा, 10^-3, और -3 को ऊपर लाओगे तो क्या बनेगा, 3×10^8 और 3 × 11 फ्रिक्वेंसी आएगी हमारे पास में, 3×10^11 हर्ट्स, ये आ जाएगी इसके लिए, राइट। इसी प्रकार से आप 700 nm के लिए निकालोगे तो क्या होगा, 1 mm के लिए तो 3×10^11, 700 के लिए 30 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 × 28, 4×4×10^14 हर्ट्स, राइट। इसके लिए हमें पता ही है 4×10^14 टू 8×10^14। इसी प्रकार इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, और लास्ट में हमारे पास में क्या आती है, गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो लाई करती है 3×10^18 से 5×10^23। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि 3×10^17 से लेके 3×10^20 तक तो कौन सी आती हैं, एक्स रेज, फिर ये 3×10^18, इनको एक्चुअली हम सॉफ्ट गामा रेज कह देते हैं, राइट। और ये कौन सी होगी, लास्ट रेज, 5×10^23। एवरेज निकालोगे इसकी तो एवरेज जो फ्रिक्वेंसी होती है गामा रेज की वो होती है 3×10^20 हर्ट्ज के लगभग इनकी एवरेज फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम डिस्कस करेंगे इनके यूज, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, तो उसकी बात करते हैं, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो वेव। फर्स्ट वेव हमारे पास में कौन सी थी, रेडियो वेव। रेडियो वेव जैसे नाम से ही क्लियर है, क्या काम आते हैं, दीज आर यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, या यूँ कहते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव को। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडियो के लिए हम जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं, क्या क्या फ्रिक्वेंसी रेंज है, 530 kHz से 1710 kHz तक, जो हमारे पास में क्या होता है, AM, AM इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन फॉर रेडियो वेव। जो AM, दैट इज इन बिटवीन रेंज 530 kHz टू 1710, उसके बाद में 1710 से लेके 54 MHz तक हम शॉर्ट वेव, जिसको आपने कभी पढ़ा होगा रेडियो वगैरह की स्क्रीन पे देखना, जहाँ लिखा होता है SW, दैट इज शॉर्ट वेव AM, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कम्युनिकेशन। फिर 54 से लेके 890 MHz तक हम यूज़ करते हैं TV ब्रॉडकास्टिंग के लिए, राइट। 300 MHz से 3000 MHz तक जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो काम आती है मोबाइल फोन्स के, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर फोन कम्युनिकेशन। ये तो हो गया यूज ऑफ रेडियो वेव। सेकेंड पार्ट इज माइक्रोवेव, एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ माइक्रोवेव। देखो याद कीजिए, आपने अपने किचन में नाम सुना होगा माइक्रोवेव ओवन, या कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो आपने गर्मा गर्म ब्रेड या समोसे वगैरह लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो उस दुकानदार ने आपके लिए गर्मा गर्म बनाई, वो क्या करते हैं सुबह बना के ही माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसके अंदर रख देते हैं। तो वो क्या करता है, माइक्रोवेव ओवन इस प्रकार के फूड आइटम्स को लगातार गर्म रखता है, राइट। आप हमारी किचन में भी जनरली मिल जाता है माइक्रोवेव ओवन,
तो क्या काम आता है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर कुकिंग पर्पज। सेकेंड इम्पोर्टेंट यूज क्या है? माइक्रोवेव आर यूज इन रडार सिस्टम। रडार जिसका आपने प्लस वन में पढ़ा होगा, रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या करते हैं हम इसमें? माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं, और माइक्रोवेव यूज़ करके हम जो कोई एयरक्राफ्ट, राइट, किसी एयरक्राफ्ट को नेविगेट करते हैं, जैसे प्लेन वगैरह होते हैं, इनको हम नेविगेट कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, इनकी स्पीड का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से रडार सिस्टम को यूज़ करके हम टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, इनकी स्पीड का पता कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो टीवी की स्क्रीन पे लिखा होगा कि इस बॉल की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर, तो उस बॉल की जो स्पीड की जाती है दैट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रडार सिस्टम विच यूजेस माइक्रोवेव। नेक्स्ट पार्ट इज इंफ्रारेड वेव्स। हम इंफ्रारेड वेव के इंपॉर्टेंट यूज डिस्कस करेंगे। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो नोन एज हीट वेव बिकॉज दीज आर यूज टू प्रोड्यूस हीट। सो इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज होता है इन फिजिकल थेरेपी। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो उस मांसपेशियों को खिंचाव में उसको रिलीफ करने के लिए जो खिलाड़ियों के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? फिजिकल थेरेपी का यूज़ करते हैं उस मस्कुलर स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। दैट इज़ इन फिजिकल थेरेपी फॉर मस्कुलर स्ट्रेन, मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है उसमें आराम लाने के लिए फिजिकल थेरेपी यूज़ की जाती है। और उस फिजिकल थेरेपी में क्या यूज़ करते हैं हम? इंफ्रारेड वेव को यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इसी प्रकार से इनका जो अगला यूज है वो आता है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट्स। सोचा होगा आपने कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास में एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है? तो उनमें क्या लगे होते हैं? सोलर सेल लगे होते हैं, और वो सोलर सेल वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इसी प्रकार से देखो अगला इंपॉर्टेंट यूज, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो ठंडे देश होते हैं, जो जहाँ पर जो कुछ सब्जियां या जो हमारे पास में कुछ सब्जियों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर जरूरत होती है, वहाँ हम क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो उस ग्रीन हाउस में भी कौन से रेज काम आती है? इंफ्रारेड वेव का काम होता है। इसी प्रकार से यदि इंफ्रारेड वेव नहीं होती तो ये अर्थ भी क्या होती? बहुत, अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता, अर्थ भी एक बर्फ का गोला होता, लेकिन जो इंफ्रारेड वेव है वो क्या करते हैं? अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज इनका, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं, हॉस्टल वगैरह होते हैं, उनकी छत के ऊपर वाटर हीटर लगे होते हैं, राइट, उनको हम क्या कहते हैं? सोलर वाटर हीटर। इसी प्रकार से आपने सोलर कुकर, राइट, सोलर कुकर देखे होंगे, उनमें भी सोलर कुकर में भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज विजिबल लाइट, एंड विजिबल लाइट का यूज आप सबको पता है। इस सुंदर संसार को देखने के लिए हम कौन सी लाइट का यूज़ करते हैं? विजिबल लाइट। सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ विजिबल लाइट? इज टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अगला इन फोटोग्राफी टू टेक द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसके अलावा वी कैन यूज विजिबल लाइट टू सी द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, राइट। इसके अलावा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में भी हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको देखने के लिए भी किसका यूज करते हैं? विजिबल लाइट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। देखो इसका काफ़ी कॉमन यूज हमारे घरों में, जो वाटर प्योरीफायर जिसको हम आरओ कहते हैं, आरओ में आपने पढ़ा होगा आरओ प्लस यूवी सिस्टम, तो उस आरओ के अंदर जो यूवी सिस्टम है वो क्या करता है? दैट किल्स द बैक्टीरिया और जर्म्स इन वाटर, राइट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ आरओ अल्ट्रावायलेट रेज? टू किल्स जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर्स। इसी प्रकार से इसका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज अगला यूज है वो आता है टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड स्टीरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स वगैरह जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है
उन इंस्ट्रूमेंट को बार बार चेंज करना बड़ा कॉस्टली होता है, तो क्या करते हैं उनको स्टरीलाइज करते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा कि आँखों में जो डिजीज होते हैं जैसे कैटारैक्ट वगैरह, इस प्रकार के जो डिजीज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आँखों की लेसिक सर्जरी की जाती है। तो उस लेसिक सर्जरी के अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं, राइट। ये तीन के कुछ एक बेसिक यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज एक्सरेज। एक्सरेज का आपने काफ़ी कॉमन यूज़ देखा होगा, जब आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एक साइड में आपको एक्सरे कॉर्नर मिलता है या एक्सरे रूम मिलता है। तो क्या काम आता है, आपने देखा होगा यदि किसी कोई आदमी मान लो बाय द वे किसी आदमी के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसके हाथ पाँव में चोट लग जाती है, तो डॉक्टर ये पता करने के लिए कि उसके हाथ पाँव में कोई फ्रैक्चर, उसकी कोई हड्डी वगैरह टूटी है, उसका पता करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट, किसी आदमी को गोली वगैरह लग जाती है, तो ये पता करने के लिए कि वो गोली आदमी के किस पार्ट में धसी हुई है, क्या करते हैं उसकी एक्सरे की जाती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर स्टोन जिसको हम बोलते हैं पथरी वगैरह का पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेज, बॉडी का एक्सरे किया जाता है, राइट। ये था इसका कुछ एक कॉमन यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा रेज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज गामा रेज। व्हाट इज द यूज ऑफ गामा रेज? गामा रेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। समझ गए होगा, कैंसर जो डिजीज होता है उसको ट्रीट करने के लिए, और बॉडी में कहीं पर ट्यूमर वगैरह हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गामा रेज का। इसी प्रकार से अगला जो यूज है वो आता है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, गामा रेज आर मेड टू स्ट्राइक ऑन द न्यूक्लियस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर स्टडीड यूजिंग गामा रेज। इसी प्रकार से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आर ऑब्टेंड यूजिंग गामा रेज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।